गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। अभी तक धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा की अभी आपकी बुक की शुरुआत नहीं हुई है। आज उसका पहला लेसन, पहला पाठ है और नाम है याचना। छोटे छोटे प्यारे बच्चों, याचना का अर्थ है प्रार्थना। जो हम भगवान के मंदिर के अंदर जाकर भगवान को हाथ जोड़कर विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी को यहाँ पर याचना कहा गया है। इस प्रार्थना के अंदर हम एक बच्चा भगवान से क्या मांगता है, प्यारे बच्चों, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। छोटे छोटे प्यारे बच्चों, देखो परमात्मा से एक बालक या हम सब क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आनंद के सागर, ज्ञान बुद्धि हमको दीजिए। और देखो प्यारे बच्चों, यदि ज्ञान हमारे अंदर आ गया तो दुर्गुण अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि शीघ्र जल्दी से जल्दी हमारे सारे बुरे कर्मों को, बुरे कार्यों को, दुर्गुणों को हमसे दूर कर दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कि लीजिए हमको शरण, हे प्रभु आप हमको अपनी शरण में ले लो, और यदि हम आपकी शरण में आ गए तो सदाचारी हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, धर्म रक्षक बन जाएंगे। वीर व्रतधारी का अर्थ यहाँ पर प्यारे बच्चों ये है कि हम कोई भी बात कह दें और उसको हम पूरा करके ही दम ले हटे। जब तक वो कार्य, किसी कार्य को हमने पूरा करने का बोल दिया, अपने मम्मी पापा को बोल दिया, और हम उस कार्य को जब तक वो पूरा ना हो तब तक हम ना रुकें, उसको वीर वरदाई बोलते हैं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की है। आगे प्यारे बच्चों, हिंद में पैदा, हिंद का अर्थ यहाँ पर भारत देश है, भारत की धरती है, भारत माता है। हिंद में पैदा हुए, हिंद की संतान हैं, हिंद की सेवा करें, वरदान ऐसा दीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें ये कहा गया है कि भारत देश के हम पैदा हुए हैं, हम भारत माता की संतान हैं, हम भारत माता की सेवा करेंगे, ऐसा हमको वरदान दो हे प्रभु। प्रेम की गंगा बहे दिल में हमारे, रात दिन तुमको कभी भूले नहीं, सद्ज्ञान ऐसा दीजिए। अर्थात हमारे दिलों के अंदर प्रेम की गंगा बहे, कहने का अर्थ यहाँ पर है कि हम सभी से प्यार करें, ईर्ष्या हमारे अंदर कभी ना हो, और हम परमात्मा को कभी भी ना भूलें, हम परमात्मा को कभी भी ना भूलें, ऐसा ज्ञान यहाँ पर परमात्मा से हम मांग रहे हैं। उसके बाद अभ्यास सागर शुरू हो जाता है। इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने और क्या दूर करने को कहा गया है, प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं, इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है, यहाँ किस सद्ज्ञान की मांग की गई है, और इस प्रार्थना को कंठस्थ करो प्यारे बच्चों, इस प्रार्थना को याद करो और गुरु जी को सुनाओ। और सबसे पहला गुरु आपकी मम्मा है। इस प्रार्थना को याद करके आप सबसे पहले अपने मम्मी को सुनाओ, और वही प्रथम गुरु हैं आपके, प्रथम गुरु माता पिता हैं। उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है, इस प्रार्थना में प्रभु से क्या देने और क्या दूर करने को कहा गया है। प्रभु से ज्ञान देने और दुर्गुण दूर करने के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न,
प्रभु की शरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं? प्रभु की शरण में जाकर हम सदाचारी, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक बन सकते हैं। इस प्रार्थना में देश के लिए क्या मांग की गई है? हम भारत देश की सेवा करें। यहाँ किस सद्ज्ञान की मांग की गई है? कि हम किसी भी स्थिति में भगवान को ना भूलें। ये यहाँ पर सद्ज्ञान की मांग की गई है। सिर्फ चार ही क्वेश्चन हैं और छोटी सी ही वीडियो है, मुश्किल से 6 और 7 मिनट की ये वीडियो आप बच्चों के लिए बनी है। तो पहला लेसन आपका डीएस का पहला दिन है, तो थोड़ा ही हम कार्य करेंगे, सिर्फ छोटा सा ही चैप्टर है। आप इस डीएस की एक अलग से कॉपी लगा लीजिए, फेयर कॉपी लगा लीजिए, और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उसमें आपने अच्छे से लिखने हैं और फिर उनको याद भी कर देना है। मंडे और ट्यूसडे आपकी डीएस की क्लास है, तो पहला दिन है। ये मैंने आपको याचना का चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराया। तो जो ये वीडियो मैं आप बच्चों, आप सभी को भेज रहा हूँ, क्रिस इन्फोमेटिक यूट्यूब चैनल से भेज रहा हूँ। आप क्रिस इन्फोमेटिक यूट्यूब चैनल पर किसी भी वीडियो पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि आने वाली सभी चैप्टर्स की, सभी मैथ की वर्कशीट की वीडियो, जैसे ही मैं वीडियो यूट्यूब पर डालूं, तुरंत लिंक आपके पास आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम है आप वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आज आप सभी के लिए, प्रथम दिन के लिए। और पहला चैप्टर प्रार्थना का है। आप हर रोज़ सुबह शाम भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा करें। बस यही याचना है, यही प्रार्थना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।